प्रिपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूं तो मेरे पूरे प्रिपरेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे. एक था करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशंस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं, कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसके आगे की बात करो. तो अब जो डायनामिज्म एग्जाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए. और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा. पहले इंडियन एक्सप्रेस, मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना. और जो भी आप हिंदी माध्यम अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करते हैं. करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की. जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो, मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसकी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है. तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म. या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पर फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है. IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च करके फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज फाउंड. अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं. मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगे. उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा. ऐसा करके पॉलिटी हो गई, या फिर जो भी हम, जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है फिर आप उसकी और डीप में स्टडी कर रहे हैं, है ना. एक ये चीज़. जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट. देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है. देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है. तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारे लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो अपना 100% दीजिए. और टेस्ट्स आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है प्रिपरेशन. तो जो भी टेस्ट्स हों, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फोटोकॉपी मंगवा सकें, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आपको कहीं टेस्ट्स मिलता है तो आप अपने आप को जांचते रहें हर रोज़. 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं एक दो आंसर्स, रिटन जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे वो मैं एक दो रोज़ लिखा करती थी, तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का. तो ऐसा अपने आप को आप जांचते